यूपी के रामपुर में थाना सहजाद नगर पुलिस के मुखबिर की सूचना पर ट्रक से अंग्रेजी शराब की करीब 260 पेटी बरामद की है। यह शराब मुरादाबाद से रामपुर आ रही थी। साथ ही पुलिस ने दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ कैमरे के आदेश पर थाना सहजाद नगर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर जब उसको रुकवा कर तलाशी ली तो उसमें चावल के कट्टे भरे थे। जब बारीकी से तलाशी ली गई तो कट्टों को ट्रक से निकाला गया और उसमें शराब की 260 पेटी पुलिस ने बरामद कर ली और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले पर अपनी कार्यवाही कर रही है। मामला है, क्या क्या पकड़ा गया है? देखिए, मुखबिर की सूचना पर सहजाद नगर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये मुरादाबाद तरफ से आ रही थी एक ट्रक नंबर HR 68B 7552, ये सफ़ेद रंग का है और मुखबिर ने कहा कि सर बस थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाला है। इस पर सहजाद नगर की पुलिस इंस्पेक्टर हमारे SHO और SI श्री अनुराग जी, मैं हमारा भी साथ में गए, वहाँ घेराबंदी किया और जैसे ही वहाँ से ट्रक आया उसको रोक करके पूछताछ की। पहले तो उसने बताया कि साहब इसमें चावल के 20-20 किलो के गट्टे हैं, बट मुखबिर इशारा करने के पश्चात वहाँ सट गया था और जब गट्टों को चेक किया गया था उसके अंदर जो है 260 पीटी क्वार्टर्स, जिस पर कैसिनो प्राइड विस्की लिखा हुआ था और इस प्रकार 260 में 48 और एक पेटी में 48 पाउच था, 48 क्वार्टर थे और इस प्रकार कुल 260 पेटी बरामद हुई और उसका अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख रुपए है। इसके अलावा जो चावल के बोरे भरे हुए थे उसमें 11 लाख के समथिंग चावल के जो प्राइस आ रहा है उसमें उसका अनुमानित मूल्य है। इसमें दो ड्राइवर हैं, जिसमें एक कश्मीर सिंह सनबीर सिंह निवासी रठौरा जनपद यमुनानगर हरियाणा का और दूसरा राजू पुत्र हजारीलाल, ये जनपद सोनी पथ हरियाणा का रहने वाला है और इसके साथ साथ ट्रक का भी उसको सील किया गया है और यहाँ पर उसके खिलाफ में एक्साइज एक्ट और 420 के खिलाफ में धारा में मुकदमा कायम कर लिया गया है और शेष कार्रवाई की जा रही है।